हरे कृष्णा एवरीवन। आज सत्यला एकादशी है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सत्यला मतलब तिल का जो नाम आ रहा है, तो यहाँ तिल का आज बहुत विशेष महत्व होता है। तिल से ही कुछ बना करके स्वीट्स भगवान का भोग लगाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने सामक और साबूदाना की खीर बनाई है जिसमें थोड़े से तिल डाल दिए, तो तिल भी उसमें शामिल हो गया। और कुछ हम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसको हमने थोड़ा सा छोंक लगाने के लिए, उसको हम क्रंची हो जाएगा खीर में डाल के, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये हम देखिए इसका छोंक लगा रहे हैं। इसमें थोड़े से काजू और बादाम डाल दिए हैं। किशमिश नहीं थी तो मैंने किशमिश नहीं डाली, डाल सकते हैं इसमें। और इसमें हमने थोड़ा सा 6-7 इलायची भी हमने ये कूट करके रख ली हैं, तो ये इलायची भी इसमें ना हम डाल देते हैं। देखिए ये इलायची भी हमने डाल दी, तो इसकी खुशबू खीर में अलग ही होती है। तो इसका हमारा खीर में लग जाएगा छौंक और खीर का बहुत ही स्वाद बढ़ जाएगा। और भगवान भी प्रसन्न, और उसका भोग लगा के और भी डबल ट्रिपल उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो उसी प्रसाद को हम लेंगे। और मैंने कुछ नहीं बनाया, केवल ये खीर ही बनाई है जिसमें कि सामक और साबूदाना है और तिल का जो एक होता है, तो मैंने तिल भी थोड़े से डाल दिए, तो एक चम्मच। तो अब देखिए, अब हम इसका भगवान को भोग लगाने के लिए ले जा रहे हैं। और भगवान का भोग लगा करके इसी को प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। तो आज आपने सत्यला एकादशी पर क्या बनाया, और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने भगवान के लिए क्या प्रसाद बनाया, तिल का या फिर कुछ और आइटम। देखिए देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रही है। इसमें मैंने खांड थोड़ी सी और शक्कर दोनों मिक्स करके डाली हैं, तो क्योंकि मैं चीनी का यूज नहीं करती। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में बहुत ही यम्मी है।